नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। आज मैं फिर से YouTube चैनल में हाजिर हुआ हूं अपना एलजेब्रा का टॉपिक लेके। दोस्तों अभी मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी CHSL और इन सब एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, तीन से एक बटे तीन। यहाँ पर देख रखा है x greater than 1, find x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x की क्यूब। हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। तो मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम इसको अगर करके देखते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू तीन तेन और एक दस बटे तीन। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x की वैल्यू 3, अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा x 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 बटे 3। ये आपकी बात क्या है, एकदम सही है। तो 10 बटे 3 आ रहा है, 10 बटे 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 का क्यूब निकालते हैं। तो एक तरह 27 माइनस 1 अपॉन 27। अब इसको लेंगे 27 एलसीएम ले लिया, 27 इंटू 27 ये हो जाएगा 729 माइनस 1 इक्वल टू 728 अपॉन 27। क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड ये है, इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं हम। और अब मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ कि अगर इसको तरीके से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं हम। इसी चीज के लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। ये एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब है, तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसको एक्स स्क्वायर। इसको करता हूं तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, के का के स्क्वायर प्लस 2। क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 करेंगे। तो यहां पर इसको करके देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 2 यानी 10 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 100 अपॉन 3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे 300 माइनस 9, यहाँ पर 9 लेंगे तो 9 दुनी 18, 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 82 अपॉन 9। कितना हो जाएगा, 82 अपॉन 9। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होगा यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो मुझे निकालना होगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज निकालने के लिए मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर करूंगा के का स्क्वायर, क्या करूंगा, के का स्क्वायर माइनस 2। तो के का स्क्वायर, तो के मान लिया मैंने क्या, 82 अपॉन 9 का होल स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करता हूं तो 9 दुनी 18 64 अपॉन 9। क्या जाएगा, 64 अपॉन 9। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन 3। अब इसको अगर हम करते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्म इस फॉर्म में लेके जाते हैं, तो इस ये पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा गया, तो इसका होता है के का क्यूब। क्या होता है, के का क्यूब प्लस 3k। तो के का क्यूब हो जाएगा 8 बटे 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता, 512 बटे
27 प्लस 8 कितना हो जाता है, 27 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 512 प्लस 8 7 56, 8 2 16, 5 21 216, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 7 27 7 2 8 upon 27, यही आंसर। तो हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में हमें शॉर्टकट तरीके से करना है जिसका आंसर फटाफट फाइंड आउट हो सके। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ 2x² + 1 = 5x, x > 1 फाइंड x³ - 1/x³। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो ये दे रखे 2x² + 1 = 5x, क्या दे रखा है 5x दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वही बनाएंगे x² + 1 = यहाँ 5, अब ये 2 है तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा 2, और x है तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गया। अब x = अगर मैं 2 फिट करता हूँ तो इसको देख लेता हूँ, 2² + 1 = 5 होना चाहिए, तो 2² + 1 = 5 सेटिस्फाई कर रही कंडीशन अपॉन x अपॉन 2, तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ पर निकालना हमें क्या निकालना है, x³ - 1/x³, तो यहाँ रख लेंगे 2³ - 1/2³, ये हो जाएगा 8 - 1/8, ये होगा 64 - 1 = 63/8, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं तो वही फॉर्मूला रख के भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, तो भी ये 63/8 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ x² + y² + 1 = 2x फाइंड x⁵ + y³। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो जो x² + y² + 1 = 2x दे रखा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा x² - क्या हो जाएगा बता दीजिए यार मुझे, ये हो जाएगा x² - 2x + 1 + y² = 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x - y 1 का होल स्क्वायर + y² = 0, यहाँ दोनों के साइड में क्या दे रखा है, 0 दे रखा, तो x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा, और यहाँ y² = 0, तो y = 0। यहाँ पर यही वैल्यू फिट कर देता हूं मैं, x⁵1⁵5 + 0³, कितना आ जाएगा 1 आंसर, कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + √3, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो हमेशा इसके अंदर 2-3 तरीके से कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें ऑप्शन से जब करना होता है तो इसकी सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ होता है उसी फॉर्म में उसका आंसर फाइंड आउट होता है, पहली बात। दूसरी बात यह होता है कि जिस तरीके से प्लस दे रखा है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस दे रखा तो नेगेटिव फॉर्म की कोई भी लिमिटेशन डिसाइड नहीं होती है, मैथमेटिक्स में नेगेटिव वैल्यू की कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है, इसलिए नेगेटिव का। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, तो मैंने बताया कि अगर आपको प्लस में दे रखा तो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा, तो ऑप्शन से अगर देखना हो तो हमें ऑप्शन से किस तरीके से देखेंगे कि प्लस में तो प्लस में आंसर आएगा, तो मतलब देखते ही जब माइनस में तो इन वैल्यू को काट देना है,
ये कट गए, अब ये दो बचती हैं, अब ये दो बचती हैं, तो इनका क्या करके देख लेते हैं, हम स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं। स्क्वायर रूट इस वैल्यू का करूंगा तो 3 का 9 + 2 = 11, मतलब ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, सी। सी आंसर होगा, सी को करके देख लो, 2 × 2 = 4 स्क्वायर रूट करेंगे प्लस रूट करेंगे 3 = 7, तो ये आंसर क्या आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन से करेंगे, करने के बाद में अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट मेथड से इसको किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट इसको किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट इसको करके देखेंगे तो डायरेक्ट इसको करने के लिए यह 7 + 4 √3, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन से करने के बाद में अब इसको हम जब करते हैं तो इसको किस तरीके से करना है, 7 + 4 √3 दे रखा, तो इसको 4 √3 जो दे रखा है इसके टुकड़े कर दो, हम कर देते हैं 2 × 2 √3, 2 × 2 √3 अगर करना है तो इसको अब मैं करूंगा, इसको मान लेता हूं मैं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी में वैल्यू फिट कर दूंगा तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 √3, क्या हो जाएगा 2 × 2 √3। तो इसको इस तरीके से करने के बाद में अभी इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म को अगर मैं लेके आता हूं तो ये आ जाएगा 2 + 2 √3 का होल स्क्वायर, अगर इसका रूट करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, अंडर रूट लगा दूंगा, अंडर रूट लगाने के बाद में क्या आ जाएगा 2 + क्या जाएगा अंडर रूट लगाने के बाद में इनको मानूंगा मैं ए और बी, इसको 2 तो हमेशा रहता है, इसको मान लूंगा ए और इसको मान लूंगा मैं बी, तो ये करने के बाद में आ जाएगा 2 + √3, तो ये हो जाएगा √3 और ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। अब एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, उस तरीके से अगर करते तो वो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर यह है 7 + 4 √3, तो इसको 4 √3 को आ जाएगा 2 × 2 √3, रूट थ्री, तो अब इसके अंदर क्या करना है हमें, 2 इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो इसका रूट कर दूंगा, अब रूट करने के बाद में रूट करके देखता हूं तो ये जगह 4 और ये जगह 3, इसके बीच में प्लस प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, मतलब ये दोनों हो रहा है, तो इसको क्या करूंगा 2, इसको वापस करूंगा तो क्या हो जाएगा √3 लगा दूंगा प्लस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं, इसके टुकड़े करूंगा 2 × 2 √3, अब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसका रूट करूंगा स्क्वायर रूट करूंगा तो ये जगह 4 + 3 = 7, इसके बराबर आनी चाहिए वैल्यू, ये 7 आ गई, मीन्स 2 का 2 √3 का 3 + है, प्लस लगा दूंगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इसके आंसर को कर सकते हैं, बड़ा इजी वे में 3-4 तरीके से इसके क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 हमारा है। इस 55 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 √3, तो इसका 4 + 2 √3 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे सबसे पहले मैं ऑप्शन से देखूंगा
कि इसमें क्या दे रखा, प्लस दे रखा। मैंने बताया था आपको कि प्लस में ही इसका आंसर आएगा, तो माइनस वालों को देखते उड़ा दो, बचते हैं ये दो, नन ऑफ दीज और रूट थ्री प्लस वन। अब इसको करके देखते हैं कि ये वैल्यू फोर आनी चाहिए, तो रूट थ्री का स्क्वायर अगर करता हूं, तो रूट थ्री का स्क्वायर करता हूं प्लस वन का स्क्वायर करता हूं, तो यह जगह थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो अब इसको इस दूसरे तरीके से अगर करते हैं, हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये होगा फोर प्लस टू रूट थ्री, तो इसके टुकड़े करूंगा, तो यह जगह टू इंटू रूट थ्री इंटू वन। अब रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा, तो ये रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने पर थ्री होगा, इसका वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस लगाऊंगा वैल्यू पाऊंगा फोर। तो इसको किस तरीके से कर दूंगा, रूट थ्री वन सिंबल किसका, प्लस वन, तो प्लस वन आंसर, ये आंसर सी, इसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोस्तों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले दो तीन मेथड बता दिए, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 21। इसको ऑप्शन से जब करना है तो सबसे पहले मैंने बताया था नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही इसका आंसर आएगा, तो सबसे पहले पॉजिटिव वालों को हटा देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को हटा देंगे। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि रूट थ्री माइनस रूट सेवन दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि रूट थ्री की जो वैल्यू है वो रूट सेवन से कम होती है, रूट थ्री की वैल्यू रूट सेवन से कम होती है और रूट सेवन की वैल्यू रूट थ्री से ज्यादा होती है। अगर मैं इसको निकालता हूं रूट थ्री माइनस रूट सेवन, तो हमेशा माइनस में वैल्यू आएगी रूट फोर, तो हमेशा यहां पर माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा हमें रूट सेवन माइनस रूट थ्री होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब रूट सेवन माइनस रूट थ्री यानी कि आंसर यह होगा, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से कर लेते हैं कि रूट सेवन इंटू रूट थ्री रूट ट्वेंटी वन हो रहा है, और इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा सेवन माइनस थ्री इंटू वन अपॉन टू, तो ये कितना जाएगा चार, वन अपॉन टू इंटू फोर टू, तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इस तरीके से देखना है तो हम इसको मेथड से करते हैं, मेथड से करने के लिए हमें ये दे रखा फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन दे रखा है, फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहां टू नहीं दे रखा तो इसको मैं क्या करूंगा टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड, तो मैं लिख दूंगा इसको वन अपॉन टू टेन माइनस टू रूट ट्वेंटी वन। अब इसको लिखूंगा मैं वन अपॉन टू रूट टेन, इसके टुकड़े कर लूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा टू इंटू रूट सेवन इंटू रूट थ्री, रूट सेवन रूट थ्री, और ये जाएगा टेन माइनस। अब इसको सोल्व करता हूं, तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको मान लेता हूं मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं बी मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर रूट सेवन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है माइनस, क्या हो जाएगा टू रूट सेवन इंटू रूट थ्री, ये चीज हमारे सामने निकल के आ गई। अब इसको सोल्व करना है मुझे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट सेवन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, इस पर अंडर रूट लगा दूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा आंसर वन रूट टू
रूट सेवन माइनस रूट थ्री, क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ रहा है रूट सेवन माइनस रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट टू रूट सेवन माइनस रूट थ्री। तो दोस्तों हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसको इसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 4 रूट 35। तो इसको ऑप्शन से जब हम देखते हैं तो माइनस में है, तो मैंने बताया था प्लस वाली सीधी वैल्यू कट जाएंगे, बचे ये दो। अब इसके अंदर क्या है इसको सॉल्व करके देखते हैं, रूट फाइव माइनस टू रूट सेवन। तो मैंने बताया था कि रूट फाइव की वैल्यू रूट सेवन से कम होती है, तो अगर इसको घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो टू का फोर इंटू सेवन माइनस फाइव, ये कितना हो जाएगा सात चौक अट्ठाईस प्लस पांच तैतीस, कितना आ जाएगा सात चौक अट्ठाईस प्लस पांच कितना आ जाएगा तैतीस हो जाएगा, कितना आ जाएगा तैतीस हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आ जाएगा 33 माइनस फोर रूट 35। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू सेवन इंटू रूट फाइव। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको करते हैं हम तो ये हो जाएगा टू रूट सेवन का स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू रूट सेवन इंटू रूट फाइव। तो ये इसको करूंगा तो ये हो जाएगा टू रूट सेवन प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस फाइव, इसको करूंगा तो इसका ये स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आना चाहिए फोर इंटू ट्वेंटी एट, फोर इंटू सेवन प्लस फाइव इक्वल टू थर्टी थ्री, थर्टी थ्री ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको अब यहां पर माइनस है तो क्या लिखूंगा टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव, क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसको डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं मैं, इसको दूसरे तरीके से अगर करूंगा तो किस तरीके से करूंगा देखो मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू टू रूट थर्टी फाइव, क्या हो जाएगा टू रूट थर्टी फाइव, तो इसको कर लेते हैं टू इंटू टू रूट सेवन इंटू रूट फाइव। तो इसको करूंगा तो ये जगह चार इंटू सात प्लस पांच इक्वल टू तैतीस, तो इसको करूंगा तो ये जगह टू रूट सेवन माइनस देर का माइनस इंटू रूट फाइव, रूट फाइव आंसर। तो यही आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसको इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी दे रखा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 4√3। तो मुझे ने बताया था कि हमेशा हम वैल्यू को देखेंगे तो 8 - 4√3 दे रखा है, तो प्लस वाली वैल्यू तो डायरेक्ट कट जाएगी। अब ये दे रखा √2 - √6, तो √2 को करूंगा तो मैं 2 आएगा, -√6 करूंगा 4 को नहीं आएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि √2 है, √6 से कम है तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखता हूं, 2√6, तो ये भी नहीं आएगा, क्यों? ये 2 है और ये √6 है, तो ये भी नहीं आएगा। इसको करके देखता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 6 + 2 = 8। ये वैल्यू होगी हमेशा अपनी, ये ऑप्शन से इस तरीके से आएगा। अब इसको इस तरीके से कर लेता हूं मैं डायरेक्टली, 8 - 4√3, 4√3, तो इसको करूंगा मैं तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2, इसको हाफ करूंगा, अंडर रूट करूंगा 3 * 4, तो ये हो जाएगा 2√12। 2√12 को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 2√6 * √2, 6 * √2। अब इसका करूंगा 2 * 6 + 2, तो ये आ गया। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, इनको करूंगा तो ये कितना, 6 + √2 = ये 8 आ गया। तो इसको करूंगा, इसको क्या करूंगा, √6 या माइनस, तो -√2 क्या हो जाएगा आंसर, 2√6 * √2। तो ये उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हम किसी एक बार में फिर से आपको बता देता हूं कि √4 है, 4 को इधर ले जाऊंगा, इसका रूट करूंगा 2, इधर ले जाऊंगा 2 बच जाएगा, 2 का रूट करूंगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3√4, तो ये 12 हो जाएगा। 12 के 2 टुकड़े करूंगा, 6 और 2, 6 + 6 और 2 8 हो जाएगा, तो √6 - √2 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2015 मेंस में, 2015 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3/2। तो इसको ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन से मैंने बताया ये प्लस है, तो हमेशा आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में ही आएगा। तो यहां पर देगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में कभी भी आंसर नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अब इसको तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का 4 + 2√3/4। इसको सॉल्व करते हैं, 2√3 का मैंने बताया था आपको, 2√3 को तो मैंने बताया था आपको, इसको तोड़ेंगे तो 2 * √3 * 1। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये आएगा 3 + 1 = 4 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3 + 1/4, ये आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ √7/√16 + 6√7 - √16 - 6√7। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको कभी भी आप रेशनलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि दे रखा है, इसको मैं ले लेता हूँ 16 + 6√7 का अंडर रूट, तो इसको मैं निकालता हूँ, इसके टुकड़े करूंगा तो ये टुकड़े हो जाएंगे 2 * 3√7।
अब इसको मैं करके देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये टू का टू हो जाएगा प्लस इसका नाइन इंटू ये हो जाएगा टू इंटू नाइन सेवन। तो इसको करूंगा ए और बी को, तो इसको ये हो जाएगा नौ और सात कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिख दूंगा, किस तरीके से लिखूंगा इसको, तीन प्लस तो इसको करूंगा तीन और इसको रूट सेवन प्लस प्लस कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा। तो इसको इस तरीके से लिखूंगा मैं, रूट सेवन अपॉन थ्री प्लस रूट सेवन माइनस थ्री माइनस रूट सेवन। अब यहां पर देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट सेवन अपॉन थ्री प्लस रूट सेवन माइनस थ्री प्लस रूट सेवन। तो थ्री से थ्री कट गया, आ जाएगा क्या, रूट सेवन अपॉन टू रूट सेवन, रूट सेवन से रूट सेवन कट गया, क्या आंसर आ गया, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मैं कल मिलूंगा आपसे नए जोश और उमंग के साथ में। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, उसके साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तब आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।